बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी ताल की अद्भुत प्रस्तुति आपने सुनी और जिनके अद्भुत उंगलियों की जादू ने संगीत के जरिए देश विदेश में संगीत रसिकों को एक से बढ़कर एक नायाब रंग दिए, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर मारूफ तबला वादक हिंडोल मजुमदार से। ताल का एक अलग अंदाज, राग सुर लय को समर्पित। फरुखाबाद और पंजाब घराने की आमिजिश का खूबसूरत रंग हिंडोल मजुमदार। दिसंबर 1974 को श्री तमल बरान मजुमदार और श्रीमती सुनंदा मजुमदार के घर आपका जन्म हुआ। बचपन से ही घर में कला, साहित्य, संगीत का माहौल मिला। आपको गुरु के रूप में गुणी जनों का आशीर्वाद मिला। संगीत की शिक्षा आपको सबसे पहले पंडित शिवशंकर कर्माकर जी, पंडित शंखा चटर्जी से मिली। सौभाग्य रहा आपका कि पंडित शंखा चटर्जी के आप गंडाबंद शागिर्द रही। यही नहीं, आपको मृदंगम के गुरु पंडित एस शेखर से दक्षिण भारतीय शैली में ताल की अद्भुत प्रस्तुतियां सीखने का मौका मिला। मात्र 10 साल की उम्र में आपको कोलकाता में पहले पब्लिक परफॉर्मेंस के जरिए लोगों के दिलों में घर करने का मौका मिला। और उसके बाद एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस आपकी शोहरत में इजाफा करते गए। आपकी जिंदगी में एक अहम मकाम आया जब आपको उस्ताद शाहिद परवेज का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। इस सफर में आपको कई बड़े कलाकारों के साथ कार्यक्रम करने का मौका मिला जो आपकी कला को नित नए आयाम देते गए। आपकी कई सीडीज डीवीडीज अब तक रिलीज हो चुकी हैं, जिसमें कई नायाब रागों के साथ चमकते सितारों का यादगार सफर है जो संगीत रसिकों के लिए एक अनमोल तोहफा है। आपने फ्यूजन में कई नए प्रयोग किए और विदेश में बसे वेस्टर्न म्यूजिक के नामी गिरामी कलाकारों के साथ काम करने का आपको मौका भी मिला। आप अमेरिका और कनाडा में म्यूजिक और डांस स्कूल के जरिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत हिंडोल जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत खुशी है आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। थैंक यू। सबसे पहले आप ही के अपने बचपन से शुरू करते हैं। माता पिता का जिक्र आपसे जरूर करना चाहूंगी जी। और जहां तक मैं जान पाई हूं कि आपकी माँ और आपके नाना आपके इंस्पिरेशन रहे जी। तो कुछ बचपन का जिक्र और अपने बुजुर्गों का जिक्र। एक्चुअली मेरे गाने बजाने में पहला इंस्पिरेशन हमारे
माँ और हमारे उसके पहले हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर जिसको हम लोग नाना बुलाते हैं, तो स्वर्गीय चित्तरंजन रॉय जी वो एक्चुअली एक बिजनेसमैन रहे, लेकिन उनका पहला प्यार गाना बजाना था। वो खुद सितार बजाते थे और एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, ताम्रपत्र होल्डर थे। तो उस समय वो सितार बजाते थे, हमने सुना है जिक्र कि वो जब जेल पे थे तो वो बैठ के सितार बजाते थे जेल के अंदर। तो वो राजा बोस जी बोल के किसी के पास सीखते थे और थोड़ा बहुत वो तबला भी बजाते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा कहा कि हमारे घराने में डॉक्टरों और इंजीनियरों का कोई कमी नहीं है, तो तुमको जो है तुम अगर हो सके तो म्यूज़िक को, मैं चाहता हूँ कि तुम तबले को प्रोफेशन बनाओ। और उनका कहना इसलिए था कि मैं जब बचपन में था, मैं बहुत जब छोटा था, 2-3 साल का उम्र था मेरा, तो मैं कभी नहाने गया तो बाल्टी उलट के बजाता था मैं। अच्छा। हाँ, तो कोई पॉट्स एंड कैंस अगर मिला तो वो भी मैं उलट के बजाता रहता था। तो हमारी माँ वो देख के, उन लोगों को लगा कि मुझे रिदम में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे मेरे 3 साल की जन्मदिन में उन्होंने एक ढोलक दिया मुझे। तो मेरा शुरुआत हाथ चलाने का ऐसा मेरा ढोलक से हुआ। तो फिर 1 साल बीतने के बाद उन लोगों ने मुझे, मतलब मेरे नाना जी ने मुझे दूसरे जन्मदिन में मुझे एक तबला गिफ्ट किया। अच्छा। और मेरी माँ का ये ऐसा था कि वो जब आते थे स्कूल, वो बाय प्रोफेशन केमिस्ट्री टीचर थी, तो शी वॉज 42 ईयर्स टीचिंग इन श्रीरामपुर गर्ल्स हाई स्कूल। श्रीरामपुर मेरा गांव है जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे अभी भी याद है वो लॉन्ग प्लेन रिकॉर्ड हुआ करता था उस टाइम में। तो वो रिकॉर्ड चला के अपना काम करती थी और मैं सारा दिन वो बैठ के मैं रिकॉर्ड सुनता रहता था 2-3 घंटा। तो मुझे और कुछ, मतलब मैं किसी को सताता नहीं था जब तक मेरा म्यूज़िक चले। तो उसमें मुझे अभी भी याद है कि हमारे पास उस ज़माने में विलायत खां साहब और अपने बिस्मिल्ला खां साहब की डुएट का लॉन्ग प्लेन रिकॉर्ड, फिर अमजद अली खां साहब की दुर्गा, ये सब समता प्रसाद जी की बजाया हुआ, वो सब था। और खाली क्लासिकल गाना बजाना नहीं, मुझे उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइट म्यूज़िक का भी सुनाया, जैसे मन्ना डे साहब का, रफ़ी साहब का, जैसे गाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक मुझे सुनने के लिए उन्होंने तैयार किया। और वहीं से शुरुआत। हाँ, वहीं से शुरुआत हुआ। और फिर मेरी माँ ने मुझे थोड़ी बहुत सिखाया ऐसे तेरे किटे ताक जो होता है। उसके बाद आपके जो पहले गुरु रहे वो पंडित शिव शंकर कर्माकर जी, तो उन्हें आज आप कैसे याद करना चाहें? मैं बहुत आभारी हूँ उनके, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि आज मेरी माँ भी नहीं रहे, लेकिन मेरे पहले गुरुजी मुझे चलना सिखाया, इसको बोल सकते हैं आप। तो उनको मैं 8 साल बहुत लगातार उनके पास तालीम लिया, और जिसको बोल सकते हैं कि आप गाने बजाने में ऐसे आँख को खोलना, उन्होंने, मतलब आपको एक तरह से कहना चाहिए एक बुजुर्ग की तरह आपकी उंगली पकड़ी और आपको पकड़ी। इस संगीत की दुनिया में लेकर आए। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि वो फुल टाइम म्यूजिशियन नहीं थे। तो हमारे एज के जितने भी उनके, मतलब, शागिद रहे, तो किसी ना किसी के पास भेजते थे। क्या आप अच्छे से अच्छा सीख सके? तो उनको मालूम था कि उनका एक लिमिटेशन है, तो उनको इसके लिए कोई, मतलब, भार नहीं था। आपकी खासियत है कि आपने पंजाब और फरुखाबाद घराना दोनों से सीखा जी। तो उसकी अगर कोई प्रस्तुति, एक छोटी सी बानगी मेरी ऑडियंस के लिए अगर आप बताना चाहें। तो मैं थोड़ा सा जो है एक फरुखाबाद की एक चीज बजाता हूँ जो कि एक रेला माना जाता है वहाँ का। ठीक ठीक, पहले वो बजाता हूँ, उसके बाद मैं पंजाब की कोई एक चीज बजाऊंगा। सभी
हमारे फरुखाबाद की एक बहुत फेमस रेला है, ये तिगनक बोला जाता है, धातटी घड़नक तिगनक के साथ धीरे धीरे का कॉम्पोजिशन, एक साथ का परमुटेशन करके पंजाब घराना। और पंजाब में जैसे मैं थोड़ा पढ़ंत करना चाहूँगा एक चीज, जैसे अब्बा जी का खासियत रहा, उनका पढ़ंत में बहुत दमदार पढ़ंत हुआ करता था, हम लोग काफ़ी बचपन में भी सुने हैं उनका। तो ऐसा जैसे उनका जैसे रंग है क्रिकेट में, उन्होंने सारे दुनिया को एक मतलब अलग अलग रूप दिया उन्होंने, तिरकेट कर जो रूप है। तो जैसे धा धन धा तट धा धन धा तट धन धा धन धा तट धा धाग तेना के था तेन ता तट तेन ता तट तेन धा धन धा तट धाग धाग घेण धाग तेन के धा धन। बहुत ही बढ़िया। और ये उनका खासियत था, ये जो तिहाई मैंने बजाया लास्ट में, एक दो तीन चार का गैप, ये उनका जैसे धा धा तक धा करता धा 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 तक धा करता धा तक धा करता धा 1 2 3 4 धा धा तक धा करता धा करता धा तक धा करता धा तक धा करता धा करता धा 1 2 3 धा धा तक धा करता धा करता धा तक धा करता धा करता धा करता धा। बहुत ये उनका खासियत स्टाइल थी, उनकी स्टाइल। 10 साल की उम्र में आपने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया, पब्लिक परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, कौन कौन से खास लोग वहाँ उस वक्त मौजूद थे? एक्चुअली हमारे गांव में सिरामपुर में एक बहुत अच्छा कल्चर एक टाइम में बसता था। पहली बात तो यह है कि सिरामपुर संगीत समाज जो कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जिसमें मैंने भी बजाया है, मेरा पहला कॉन्सर्ट वहाँ पर शाहिद जी के साथ था। लेकिन मैं बचपन से वो कॉन्सर्ट को देखते आ रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारे माहिर लोग आते थे। तो मैं जब वहाँ पे एक कंपटीशन भी हुआ करता था उस्ताद करमतुल्ला खान साहब के नाम पे, हमारे पहले गुरुजी वो ऑर्गेनाइज करते थे वो, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी दफ़ा पहला स्थान अधिकार किया। तो उसमें अनिंदो जी जज रहे, पंडित कुमार बोस जी जज रहे, उस्ताद साबिर खान साहब, पंडित स्वपन चौधरी, इन लोगों के हाथ से मैं फर्स्ट प्राइज लिया। माई फादर इज़ नॉट अ म्यूजिशियन, माई मदर वॉज ऑल्सो नॉट अ फुल टाइम म्यूजिशियन। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी कलाकार बड़े हैं, बड़ा बड़ा हो रहा है, उसके लिए 10 अनजान लोगों के सामने बजाना बहुत इम्पॉर्टेंट है बचपन से। चाहे वो कॉन्सर्ट में पैसा हो नहीं हो उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो छोटा सा महफिल हो, घरेलू महफिल हो, इसके लिए मैं मेरे पहले गुरुजी को क्रेडिट देना चाहता हूँ। जो नर्व स्ट्रांग कराना है वो उन्होंने मुझे किया, और उनके घर में वो बैठक लगाते थे ऐसे ही। हिंडोली, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के इस सफ़र को देखा है, हमने उन्हें अपने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें फिर अपनी राय ज़रूर दें। आइए देखते। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तबले का एक बहुत बड़ा स्थान है, कई दिग्गज कलाकार यहाँ पर हमारे हुए और कई नए आने वाले भी हैं। एक नाम हिंडोल मजूमदार कलकत्ता से हैं, तो ये एक ऐसे तबला प्लेयर हैं जिन्होंने न केवल वोकल बल्कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और कथक डांस के साथ भी इन्होंने परफॉर्म किया है, और काफ़ी मेहनत से ये आगे आए हैं। इनकी नॉलेज अच्छी है, हाथ भी अच्छा है,
मेरे साथ भी इन्होंने संगत की है कुछ कार्यक्रमों में और सभी लोगों ने उनको बहुत सराहा। हिंडोल मजूमदार जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार। टुडे हिंडोल मजूमदार इज अ नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आई एम वेरी हैप्पी टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम बिकॉज आई एम देयर फैमिली फ्रेंड सिंस लास्ट 20 ईयर्स और मोर। आई प्लेड सो मेनी कॉन्सर्ट्स विद हिम in India and abroad, and he has opened his school in US and Canada very successfully. I wish him every success and I am always with him. Hindole Majumdar aaj ke bahut hi honhar aur talented tabla player hai. Mere saath apna career shuru kiya tha 90s mein, early 90s mein, aur mere saath pehli baar usne 95 में बजाया था और जब से आज तक मैं जो प्रोग्रेस देख रहा हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ। इनमें ये काबिलियत है कि गाना हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो या डांस हो, सभी की संगत बहुत खूबी से करते हैं और मेरा बहुत इनके लिए गुड विशेष और आशीर्वाद है और मैं बहुत खुश हूँ कि इसी तरह ये तरक्की करें। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे? आई एम रियली टच्ड। अभी ये तीन लोगों ने जो बताया, पहले तो मैं शाहिद जी से शुरुआत करूँगा जो इनको आखिर में दिखाया गया। उनके साथ तो मेरा 25 साल का साथ रहा। हालांकि कोई भी ऐसे बड़ा कलाकार की जो शुरुआत होता है कोई तबला प्लेयर के लिए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अहम एक मुहूर्त रहा हमारे लाइफ में जब शाहिद परवेज़ खान साहब हमारे लाइफ में आए और वो हमारे मेंटर हैं। काफ़ी मैंने उनसे सीखा है और आगे भी सीखता रहूँगा। और उन्होंने मुझे एक टाइम में जब बजवाया तो उन्होंने काफ़ी मुझे सारे दुनिया में आई वुड से ही प्रेजेंटेड मी फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसके वजह से आज दूसरे कलाकार भी मुझे लेके बजवा रहे हैं। और तरुण जी के बारे में क्या कहना है, तरुण जी तो हमारे कलकत्ते के हैं और हमारे अपने हैं और काफ़ी उनके साथ भी बजाने का मौका दिया और साथ में काम करने का मौका आगे भी मिलेगा शायद है। और विश्वमोहन जी तो उनका बहुत बड़प्पन है, ही सच ए लेजेंड, ग्रैमी अवार्ड विनर, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी मुझे मौका मिला है और वो लोग बहुत प्यार करते हैं। बस अभी इन्हीं व्यूज़ में एक बात निकल के आई, आप कनाडा और यूएसए में अपना म्यूज़िक एंड डांस स्कूल रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, किस तरह का माहौल आप वहाँ देखते हैं? और आपने ये जो म्यूज़िक एंड डांस दो चीज़ें आपने इकट्ठी शुरू करी, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा? एक्चुअली थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैं जब वहाँ पर गया और हमारे कुछ शागिर्द डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर जाने के बाद, मैं लोगों का शुरुआत यूएसए से होता है, मेरा शुरुआत कनाडा से हुआ। अच्छा। मेरा पहली दफ़ा उस्ताद शाहिद परवेज़ खान साहब के साथ कनाडा जाना हुआ। हाँ। तो वही मेरा पहला ब्रेक था कनाडा में और मेरा पहला कॉन्सर्ट था मॉन्ट्रियल में। तो फिर टोरंटो में भी गया, काफ़ी मैंने दूसरे जगहों में भी, ऑटवा और कैलगरी, एडमंटन, विनीपेग, सारे जगहों में बजाया। लेकिन मॉन्ट्रियल में मैंने देखा कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन बना शागिर्दों का, तो मेरा पहला स्कूल मैंने वहीं पे ओपन किया। अच्छा। तो मुझे मॉन्ट्रियल की कल्चर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे एक फ्रेंच का थोड़ा बार है, लोगों को हर लोगों को वो पसंद नहीं आता है, लेकिन एक यूरोपियन टच है। मेरा स्कूल का नाम है हिंडोल मजूमदार म्यूज़िक, हिंडोल मजूमदार स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। इसमें थॉट प्रोसेस ऐसा रहा कि म्यूज़िक के साथ डांस, कभी कभी अगर मौका मिले कोई वर्कशॉप हो हमारे स्कूल में, हम लोग सब लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने वो एक विंग ओपन रहा। मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स के देश विदेश में, कुछ ख़ास कार्यक्रम जो आपकी ज़िंदगी को एक नए मायने दे गए? मेरे ज़िंदगी में पहला कि बहुत बड़ा कॉन्सर्ट मैंने कुछ बजाया, जैसे इंडिया में डोवर लेन म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मैंने बजाया है, सॉल्ट लेक म्यूज़िक फेस्टिवल जिसमें मैंने पहली दफ़ा, बहुत बड़ा ब्रेक मुझे 95 में सुजीत भट्टाचार्य जी ने दिया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता।
उसके बाद फिर कोई यादगार किस्सा उस उन कॉन्सर्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई किस्सा आप सुनाना चाहें? किस्सा बोलिए तो देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा जो सबसे बड़ा कॉन्सर्ट उसके भी पहले रहा वो बंगीय संगीत परिषद में रहा, 2001 में रविंद्र सदन में, और वो उस्ताद शाहिद परवेज के साथ रहा, और वो राग जोग का कॉन्सर्ट था, अभी भी मुझे याद है। तो वो जो कॉन्सर्ट था उससे मेरा एक्चुअली कलकत्ते में बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा एस्टैब्लिशमेंट जिसको बोलते हैं, लोगों को पहचान में आया कि हिंडोल मजूमदार बोल के कोई तबला प्लेयर है जिसका ये काबिलियत है कि वो थोड़ा बहुत संगत शाहिद जी के साथ कर लेता है। इतना हो गया था उस कॉन्सर्ट से, और वो बहुत यादगार कॉन्सर्ट रहा। फिर सप्तक म्यूज़िक फेस्टिवल में मैंने बजाया है, और फिर मंजू जी ने काफ़ी वहाँ पे मुझे बुलाया और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे भी शाहिद जी के साथ बजाया है, मेरा पहला ब्रेक उनके साथ ही था वहाँ पे। और फिर बाहर में कुछ इम्पोर्टेंट जगह जैसे है, सोचिए वर्ल्ड म्यूज़िक इंस्टीट्यूट बहुत इम्पोर्टेंट एक है, फिर लर्न्ड क्वेस्ट एकेडमी ऑफ बॉस्टन। हिंडोल जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना जी। आइए। बहुत खुशी है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी मेहनत करते हैं वो, और यहाँ तक पहुँच गए हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है। और संगीत की जितने भी विधाएँ हैं, तबला सोलो हो या संगत हो या शिक्षक हो, एक अच्छे शिक्षक भी है, काफ़ी शिष्य भी वो अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो मेरे यही उनको मनोकामना है, ईश्वर के ईश्वर को प्रार्थना है कि उनका नाम ऐसे ही पूरे विश्व में हो जाए, उनका ग्राफ ऐसे बढ़ता जाए, और वो अपने संगीत से पूरी दुनिया को हमको ऐसा ही आनंद देते रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और यंग तबला माएस्ट्रो श्री हिंडोल मजूमदार, हमारा उनका बहुत ही पुराना साथ है, और हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में बजाया है, और उनके साथ अभी हाल ही में हमने एक US टूर भी किया, सो वी फाउंड हिम अ वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी टैलेंटेड तबला प्लेयर। थैंक यू हिंडोल भाई, आपने हमारे साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम बजाए हैं, और ईश्वर आपको और तरक्की दे। हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आदाब शख्सियत के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी और हिंडोल भाई को भी मेरा आदाब। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक नाम हिंडोल मजूमदार, जो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तबले के प्रमोशन के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तान में और बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, US और कनाडा में उन्होंने काफ़ी तबले को प्रमोट किया है। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ हैं हिंडोल भाई आपको, उम्मीद है कि आप इसी तरह से तबले के प्रमोशन के लिए काम करते रहेंगे, शुक्रिया। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, इन सब ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत अपना समझते हैं। मृदंगम माएस्ट्रो के साथ भी काम करने का आपको मौका मिला, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ही आई प्लेड विथ द वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मृदंगम प्लेयर त्रिची शंकरन जी, ही इज़ अ लेजेंड, एंड आई रियली एडोर दैट एक्सपीरियंस व्हाट हैपेंड, बिकॉज ही इज़ अ, मैं ऐसा कहना चाहूँ कि ऐसा नहीं कहूँगा कि वो, मैं बहुत डरा हुआ था ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि उनको देख के ही लोग डर जाएंगे, क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी है ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज, तो मुझे तो बहुत डरा हुआ सिचुएशन था। अद्भुत कलाकार भी। हाँ, तो मैं जब बजाने का मौका उन्होंने दिया तो वो कॉन्सर्ट था एक्चुअली, इंद्रजीत बैनर्जी मेरे बहुत पुराने दोस्त और हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो कार्तिक कुमार जी के शागिर्द हैं, नीलाद्री कुमार के भाई हैं, वो रहते हैं US में, तो उनके साथ गणेश राजगोपालन का डुएट था, तो वहाँ पे हमको मौका मिला था वो कोलैबोरेशन वर्क करने के लिए, तो लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे अलाउ किया बजाने में, तो और
हमारा कॉन्सर्ट काफ़ी अच्छा रहा है। आपने फ्यूजन में भी कुछ अहम काम किए हैं जी, कैसा रहा ये तजर्बा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। आई केम अक्रॉस अ ग्रेट लेजेंड परकशनिस्ट ग्लेन वेलेस एंड हिज वाइफ लॉरी कॉटलर। ग्लेन वेलेस जैसे आप जानते हैं इज़ अ 4-time ग्रैमी अवार्ड विनर। बिल्कुल। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और चित्रवीणा रवि किरण जी भी साथ में थे और गौरव मजुमदार जी भी साथ में थे सितार में। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड हिज वाइफ इज़ अ फैंटास्टिक माउथ परकशनिस्ट लॉरी कॉटलर। तो इट वाज अ फैंटास्टिक वर्ल्ड म्यूजिक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और उसके बाद मैंने और एक किसी के साथ काम किया है जो एक माहिर परकशनिस्ट माना जाएंगे और माना जाते हैं एक्चुअली। उनका नाम है अब्बोस कासिमोव, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। अब्बोस भाई जो है ही इज़ फ्रॉम उज्बेकिस्तान, ही प्लेज द उज्बेकी डोयरा। सो डोयरा इज लाइक अ डफली बट नॉट एग्जैक्टली अ डफली। सो ही हैज़ प्लेड विद आकिर भाई एंड ऑल ग्रेट माइस्ट्रोज। आपका बेटा अब आपके नक्श कदम पर चल रहा है जी, और बहुत से शागिर्द भी हैं आपके जी। तो गुरु शिष्य परंपरा पर अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, मैं जो स्कूल्स मैं चलाता हूँ मैं दिल से चलाता हूँ और मैं जो सिखाता हूँ मैं जितना हो सके दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। और हमारे में ऐसा कभी नहीं रहा कि मेरे लड़के को अलग ट्रीटमेंट और शागिर्दों के लिए अलग ट्रीटमेंट, क्योंकि गाने बजाने में सब एक हैं। और हमारा लड़का आयुष्मान वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, ऊपर वाले का अगर दुआ रहेगा तो आगे बढ़ेगा। तो उसको मेरा काम था इस नक्शे कदम पे लाना, वो मैं कर सका। अब मेहनत करने की बारी उसकी, अभी मेहनत करने की बारी उसकी कुछ है। ख्वाब जो आप देखते हैं? ख्वाब यही देखता हूँ कि आगे वाले जो पीढ़ी हैं वो ये चीज़ को आगे बढ़ाएं। हाँ। और ये हमारा जो तबला है वो आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल। हमारे शागिर्दों के बीच में ये मैं कहना चाहूँगा। माय बेस्ट विशेस आपके साथ। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत हम ज़रूर जाने जो आपको बेहद पसंद हो। मैं SD बर्मन साहब और RD बर्मन साहब का काफ़ी बचपन ही से फ़ैन रहा हूँ। तो उनका एक गीत मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे गाइड का एक गीत जो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, रफ़ी साहब ने, तेरे मेरे सपने। गुनगुनाएंगे? तेरे मेरे सपने अभी एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हिंडोल जी आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सबको, सब मेरे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही, ऐसे ही सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।